एक दिन टप्पू जंगल के रास्ते से स्कूल पर के घर आ रहा था। तभी तेजों से बारिश और बिजलियां करकने लगते हैं, तो टप्पू इधर उधर भागने लगता है और फिर जंगल में खो जाता है। तो उसे बाहर निकलने के लिए तीन गुफा मिलते हैं। पहला में तो बहुत बड़ा बड़ा और खतरनाक शेर रहता था, जो टप्पू को कच्चा ही खा जाता, चबा जाता। और दूसरा में बहुत ही खतरनाक चमगादड़ थे, जो टप्पू का पूरा खून पी जाता और उसे मार देता। और तीसरा में बहुत ही जहरीला सांप थे, जो टप्पू को डस सकता था। अब क्या दोस्तों, आप बता सकते हैं कि टप्पू जंगल से बाहर किस गुफा से निकलेगा, किस गुफा से जाएगा बाहर? दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या दोस्तों आप सोच लिए कि टप्पू किस गुफा से बाहर निकलेगा जंगल से? दोस्तों क्या आप नहीं सोच पाए? अरे यार कोई बात नहीं दोस्तों, कितना आसान है मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अभी तो सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं इमेज में सुबह का टाइम है, तो टप्पू आराम से बाहर निकल पाएगा दूसरा दरवाजा से, मतलब दूसरा गुफा से। क्योंकि दोस्तों दिन के समय में चमगादड़ सोते हैं, तो आराम से टप्पू निकल पाएगा क्योंकि चमगादड़ सोए होंगे। तो दोस्तों इतने मज़ेदार पहेलियाँ के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से मेरे वीडियो BSK पहेलियाँ चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों पिक्चर से फल का नाम क्या बनता है। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। अगर आपको आ जाता हो फल का नाम तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन दोनों पिक्चर से पाइन एप्पल बनता है, पाइन एप्पल फल का नाम बनता है। हाँ दोस्तों पाइन एप्पल फल का नाम बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और बारीकी से। देखिए दोस्तों, पहला है पीन, तो हो गया पीन, और दूसरा है एप्पल, तो बन गया पाइन एप्पल, पीन एप्पल, पाइन एप्पल, हो गया ना दोस्तों। तो क्या दोस्तों आपको पता चल गया था फल का नाम इन दोनों पिक्चर से? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा पजल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल सके ऐसा ही पजल पहेलियाँ। एक लड़की का नाम, एक कार का नाम, एक शहर का नाम, एक सिंगर का नाम। दोस्तों आपको बताना है कि एक ही शब्द क्या आएगा यह चारों में। एक लड़की का नाम, एक कार का नाम, एक शहर का नाम, एक सिंगर का नाम। यहाँ पर एक ही शब्द क्या आएगा, जैसे बनी, फनी, मनी, कुछ भी आएगा, एक ही शब्द आना चाहिए चारों में। अब आप ही बताइए क्या आएगा। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। अगर आपको आ जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों यहाँ पर एक ही अक्षर हनी आएगा। हाँ दोस्तों हनी। देखिए एक लड़की का नाम हनी, एक कार का नाम हनी, एक शहर का नाम हनी, एक सिंगर का नाम हनी। क्या दोस्तों आपको पता चल गया था और आप कमेंट में लिख दिए थे? हमें कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर कर दें।